तो सो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक बाजार से केवाईसी लिंक आया, केवाईसी कर लो कार्ड आपको मिल जाएगा। केवाईसी करने के बावजूद भी बार बार उनके तरफ से ईमेल आ रहा है केवाईसी फिर से करो, ऐसा क्यों होता है, चलिए बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। तो सो यहाँ पे बैंक बाजार से क्रेडिट कार्ड का ऑफर था, अप्लाई हुआ कार्ड के लिए, वीडियो केवाईसी लिंक आया, क्लिक करके सामने वाले ने केवाईसी भी कर लिया। केवाईसी करने के बाद उनके पास नेक्स्ट डे मैसेज आता है, आपका केवाईसी इनकम्प्लीट है, आप फिर से केवाईसी करें इस लिंक पे क्लिक करके। ऐसा क्यों हुआ, वजह जान लो। मित्रों मैं आपको बता दूं यहाँ पे लफड़ा क्या है। अगर आप केवाईसी कर रहे हैं, केवाईसी करते टाइम जो पिन कोड आपने फिल किया है, एड्रेस कहीं और का है, पिन कोड कहीं और का है, तो आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपकी केवाईसी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पहले आप लोग जो है घपला करके 3-5 करके अपना काम कर लेते थे, अब यहाँ पे काफ़ी सख्त हो चुका है नियम। ऐसा क्यों दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी लोग अलग अलग एड्रेस का पिन कोड डाल के, गलत एड्रेस डाल के कार्ड ले लेते हैं और आगे चल के पैसा पे नहीं कर पाए तो किस भी आप पे बैंक या कोई भी एनबीसी कंपनी क्लेम करेगी पैसा लेने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत लफड़े में चल रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को जब भी बैंक बाजार क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो आप लोगों को सबसे पहले जो आपका आधार कार्ड है उसी एड्रेस का पिन कोड डाल के अप्लाई करें। हमारे एक व्यूअर्स थे, उन्होंने कहीं और का एड्रेस पिन कोड कहीं और का, कार्ड अप्रूव हो गया, आज तक मिला नहीं, 6 महीना हो गया। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ ये गलती आप ना करें, जहाँ का एड्रेस है वहाँ का पिन कोड उठाओ डाल दो। सर्विस नहीं अवेलेबल है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, आप गलत पिन कोड डाल के कार्ड को अप्रूवल मत लो, आगे आपको दिक्कत होगा, वही आपके सिम में अपडेट होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो मित्रों ये सब काफ़ी लफड़ा बढ़ चुका है और ये सिक्योरिटी रीजन है, जो आपके आधार कार्ड है उसी एड्रेस का मान नहीं होगा, कहीं और का एड्रेस का मान नहीं होगा। काफ़ी लोग जो है इस चक्कर में पढ़ के अपना काम कर लेते हैं, बोलते हैं मेरा कार्ड मिल गया, तो कोरियर पर डिपेंड करता है, कोरियर कंपनी दे देती है, कर देती है, तो ये सारी बातें हैं। तो मैं आपसे इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस चीज़ को समझदारी से काम लें और कोई भी गलती ना करें। तो यही सब बातें हैं और आप बताना क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा है लाइक कर देना और आपका संग कभी ऐसा हुआ है वो भी शेयर कर देना। और मेरी बातें याद रखना, पिन कोड आधार कार्ड का जो है वही डालना, कोई और मत डालना, आपका नुकसान ही जाएगा, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेहरू साहब, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।